हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़े दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 जो मैंने आपको कल अपलोड करके दिया था टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, और जहां पे मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि कई सारे बच्चों के आंसर आए। उस पर 6-7 आंसर्स पोस्ट पर थे और तकरीबन 15-16 आंसर मुझे अलग से स्टोरीज की तरफ से आए, और कई लोगों ने ऑलमोस्ट सही से आंसर दिया, बट कुछ लोग क्वेश्चन में फंस गए। अब हम धीरे धीरे केस लॉ को और थोड़ा उमदा करेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब कई लोग फंस गए उसमें। केस लॉ वर्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उससे लेकर था, और एक केस लॉ का रेफरेंस किसी ने दिया नहीं मुझे, तो मुझे थोड़ा दुख होता है इस बात को बताने का कि किसी ने केस लॉ का रेफरेंस दिया। सबने अपना तुक्का लगाया शायद कि हाँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बट देन नो वन हैव गिवन द ओरिजिन ऑफ द लॉ, लॉ से क्या बढ़ के निकलता है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आई विल शो यू द केस लॉ, व्हाट वाज द केस लॉ यस्टरडे एंड व्हाट शुड द आंसर ऑफ दिस केस लॉ, ठीक है ना। तो केस लॉ बेसिकली था ये वाला, मेरे केस लॉ बुक से पेज नंबर केस नंबर 28, ये केस लॉ नंबर है, और क्वेश्चन कहता था संपड़ी अच्छे से। अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 अक्टूबर 2016, ओके। द सीईओ वॉज ऑफ द कंपनी वॉज इशूड बाय ROC ऑन 15 अक्टूबर, ओके। कंपनी बनी 6 तारीख को है, सीईओ इशू कब हुआ है? 15 अक्टूबर को, ओके। ऑन 10 अक्टूबर द कंपनी एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएटेड अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, अच्छा कंपनी 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 3 डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, 6, 10 और 15, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। द कंपनी डिनाइज फ्रॉम द सेड लायबिलिटी सेइंग दैट द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? अच्छा प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, सीओआई मिलने के पहले हुआ है। कैन द कंपनी बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेड कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, क्या कंपनी एग्जेम्प्ट होगी? इसको देख लेते एक बार अच्छे से। इस पर मैं पहले 3 डेट्स लिख देता हूँ, कौन से 3 डेट्स थी भाई? पहली डेट थी 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, बराबर ये 3 डेट्स निकल के सामने आती है। 6 अक्टूबर को क्या हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके, इनकॉर्पोरेटेड हुई है 6 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्या हुआ है? सीओआई इशू हुआ है, अच्छा इशू सीओआई हुआ है 15 अक्टूबर को, ठीक है। और इस तारीख को क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसको नहीं है। 6 अक्टूबर को कंपनी बनी है, 10 अक्टूबर को कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी के साथ में, पर कंपनी को सीओआई मिला ही किस तारीख को है? 15 अक्टूबर को सीओआई मिला, 15 अक्टूबर को है। अब सबसे बड़ी जो खासियत इस टॉपिक की वो ये है, जो सीओआई मिला 15 अक्टूबर को है उस पर डेट क्या है? क्या वो 6 अक्टूबर है कि 15 अक्टूबर है? बस सब लोगों ने गड़बड़ यहीं कही, क्या डेट जो सीओआई में लिखी हुई डेट होगी वो डेट 6 अक्टूबर होगी कि 15 अक्टूबर होगी? आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से पढ़ते ऊपर की 2 लाइनें, ऊपर की 2 लाइनें, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 अक्टूबर, क्लियर लिखा हुआ है, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 अक्टूबर एंड सीओआई वॉज इशूड बाय ROC, मतलब इशू कब हुआ है? 6 अक्टूबर को, उस पर डेट ऑब्वियसली कौन सी डेट होगी? 6 अक्टूबर की, डेट 6 अक्टूबर की होगी। वाकई में कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? 6 अक्टूबर को, और ऐसे में ये 10 अक्टूबर में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वैलिड है, इनवैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है भाई, ये कोई प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बोलते ना, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं कि जो कंपनी बनने के पहले होता है, ये कंपनी बनने के बकायदा 4 दिन बाद हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी बनी 6 अक्टूबर का है, उसके 4 दिन बाद 10 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। और ऐसे में क्वेश्चन क्या था? कैन कंपनी बी एग्जेम्प्टेड? नो, कंपनी विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड, कंपनी हैज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज अदर पार्टी कैन फाइल अ केस ऑन यू ऑन अ कंपनी। सर थोड़ा समझा के बता अच्छे से आंसर, सेक्शन नंबर 9 रेफर करिएगा। और केस में जो चाहता था वो केस था जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लेविस वर्सेस ROC इन दैट, और कंपनी थी जुबली कॉटन मिल्स, तो यही हुआ था, जुबली कॉटन मिल्स वाली कंपनी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट किया, बोले हम कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और लेविस कौन है? ROC था, और लेविस ने बोला नहीं सर कंपनी तो कब बनी है? 6 अक्टूबर को ही। लोग चिल्ला रहे सर बनी 6 अक्टूबर की, लेकिन हमारे हाथ में जो सीओआई वो कब का है? वो तो 15 का है। नहीं, सीओआई 15 को मिला है, उस पर डेट कौन सी होगी? आप कभी देखिए आपके इसका आपके 11th 12th का या 10th और 12th की मार्कशीट आती है, वो इशू पर बाद में होती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, मिलता आपको बाद में, बट उस पर डेट हमेशा कौन सी रहेगी? डेट ऑफ इशू, दैट इज डेट ऑफ द रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आपको कॉपी बाद में मिलती है उसकी हार्ड कॉपी, बट डेट उसमें हमेशा कौन सी होती है? जिस दिन रिजल्ट आया था। वैसे ही कंपनी कब बनी हुई है? 6 अक्टूबर को, तो डेट कौन सी आएगी उसमें? 6 अक्टूबर, मिला 15 अक्टूबर को हो या 15 नवंबर को, डजंट मैटर,
डजेंट मैटर। अरे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा जो पैदा होता है हॉस्पिटल में, उसके पैदा होने के बाद कुछ दिनों बाद हम जाते हैं डॉक्टर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, और जाके वहाँ से क्या लेके आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। वो बर्थ सर्टिफिकेट पहली बार मिलता है, पर उस पर डेट कौन सी रहेगी बच्चा? डेट ऑफ बर्थ, कॉमन सेंस। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट बाद ही मिलेगा, बट डेट तो वही होगी, बस फर्क यही है दोनों कहानी में, वो बच्चा लिविंग बींग है, ह्यूमन बींग है, और ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बाकी दोनों कंपनी, दोनों इंसान है, दोनों पर्सन है एज पर लॉ। वो नेचुरल है बच्चा और ये आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ, बाकी बात तो वही हो गई। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देकर समझा दिया मैं आपको, तो यहाँ पे क्लियर आंसर है कि यहाँ पे कंपनी कब आ चुकी है, 6 अक्टूबर को, दैट इज द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनने के बाद हुआ है, बट इशू सर्टिफिकेट के पहले हुआ है। सर्टिफिकेट छोड़ो ना यार, सर्टिफिकेट बने नहीं बने बात की बात है, बनते रहते सर्टिफिकेट, मेन क्या है वो डेट। और ऐसे में एक्चुअल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट इज नॉट रिलेवेंट, 15 अक्टूबर हो या 15 नवंबर हो, इररिलेवेंट। द कंपनी इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो लायबल है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा तो लाइबिलिटी किस पर आएगी? लाइबिलिटी आएगी उस कंपनी के प्रमोटर्स पे, कंपनी पे आएगी, मतलब इन शॉर्ट। बस समझ में आ गया सबको अच्छे से? दिस वॉज अ स्मॉल केस लॉ, यू नीड टू गिव द सेक्शन नंबर 9, यू नीड गिव अ रेफरेंस ऑफ द केस। अगर आपको केस का रेफरेंस आता था तो सेक्शन गायब है तो आधा मार्क कट गया, अगर आपने केस का नाम नहीं लिखा आधा मार्क कट गया, आप फेल नहीं होंगे, बट एक इम्पैक्ट पढ़ने में मजा नहीं आती। इसलिए मतलब 3 दिन के जो केस थे मेरे वो सिंपल थे, अब थोड़ा केस थोड़ा टफ हुआ, और अब धीरे धीरे केस और टफ होते जाएंगे और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, दिखता कुछ और आंसर कुछ और होता है। नीड टू रीड द वर्ड्स, आपको हर वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना होगा अगर आपको केस लॉ को डिकोड करना है तो। राइट गाइस, सो वी स्टॉप हियर इन दिस केस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस केस लॉ, आपको समझ में आया होगा, यू विल अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द केस लॉ, एंड देन डेफिनेटली यू विल वर्क हार्ड ऑन दिस। रेफर करिए बुक को, मॉड्यूल को, जो भी आपके नोट्स आपके पास हो वो देखिए और स्टडी करिए इसके बारे में कि ये क्या बोलते हैं, न्याय है कि नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे कि सर मज़ा नहीं आया, क्योंकि मज़ा नहीं आया मतलब आपने केस तो पहले पढ़ा हुआ है, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑन दैट। और किसी को लगेगा बात सर क्या बढ़िया समझाया सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, यानी कि आप बहुत बड़े बुरी तरह फंसे हो क्योंकि आपने केस कोई पढ़ा ही नहीं है, यानी आपको बहुत मज़ा आ रहा है, यानी आपने कोई पढ़ा ही नहीं था ये वाला चीज़ है। तो आई अप्रिशिएट इन दिस केस लॉ सीरीज इफ समवन से मी सर सारे केस लॉ घटी है सर, हम वो सब आते थे, क्या बोर कर रहे हो आप, मजा आएगा। जब बच्चों को लगेगा सर केस में दम ही नहीं है, सब आते हैं हमको, अरे वायर आते हैं मतलब फिर तो बहुत अच्छी बात है। और किसी ने बोला अगर अरे सर क्या जोरदार केस लॉ था, यानी कि आप बुरी तरह फंसे हुए थे अब तक के क्योंकि आपको केस लॉ नहीं मालूम थे ऐसे वाले जो मैं करा रहा हूं। तो सोच लीजिए अच्छे से आप मेरे को क्या बोलेंगे, उस पर मुझे बहुत खुशी होगी। एनीस, सो विल स्टॉप हियर इन दिस पार्ट एंड गो एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द नेम इज सिंपल लॉजिकल गुरुजी, वहां जाके सर्च करिए और पोस्ट को देखिए, आज का केस नंबर 5 उसका आंसर ट्राई करिए, कल शाम को 6 बजे उसका आंसर मिलेगा। राइट गाइज, सी यू देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।